हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे CSS की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, एंड दैट इज अ फ्लोट प्रॉपर्टी। सी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टू अरेंज योर इमेजेस, योर टेक्स्ट इन अ ब्राउजर। कि जब भी आपको ब्राउजर पे कोई इमेज या टेक्स्ट आपको अपने हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से या लेफ्ट राइट में अरेंज करना है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो एग्जैक्टली पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी इन CSS। तो सपोज करिए, यदि आपके पास कोई दो डिविजन्स हैं, है ना, सपोज दिस इज द टू डिविजन वी हैव। ये मैंने पहला डिविजन लिया, तो यहां पर मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, ये डेटा फ्लेयर की वेबसाइट से मैं ML से कुछ ना कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पाइथन ट्यूटोरियल। चले तो यहाँ से मैंने कुछ कंटेंट ले लिया और ये कंटेंट मेरे पास इस डिवीजन बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो, सपोज करिए, अगर मैं एक सेकंड डिवीजन बनाता हूँ, ठीक है, सेकंड डिव लेता हूँ, तो वो जो सेकंड डिव होगा वो बाय डिफॉल्ट इसी के नीचे यहाँ पर आएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपको अपना सेकंड डिव दिखेगा, कि अगर आप सेकंड डिव पे भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी, राइट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर मुझे ये जो सेकंड डिव है ये यहाँ ना रखे, जबकि आप देखिए इधर पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो अपना खाली है। जैसे ये पूरा पोर्शन मेरा खाली है यहाँ पे, राइट। ये तो यदि आप चाहते हैं कि ये जो डिव है इसको आपको यहाँ ना रख के, यू वांट टू पुट इट इन देयर, आपको इसको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, तो टू अरेंज योर डिविजन बॉक्स और टू इमेजेस इन अ पेज, यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी, राइट। कि जब भी आपको लगता है कि आपको अपने डिविजन बॉक्स को राइट या लेफ्ट में अपने हिसाब से सेट करना है, ओके। तो चलिए, ये तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं तो चीजें ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे। तो यहां पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, टेस्ट फ्लोट डॉट html, ठीक है। और यहां पर हमें चाहिए कुछ बेसिक टैग्स, तो वो मैं यहां से ले लेता हूं। दिस इज html हेड स्टाइल, ठीक है, और ये हमने टैग ले लिए, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा, अपन अपने हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। अभी केवल मुझे बेसिक टैग्स चाहिए, तो ये मैंने हटा दिया स्टाइल अभी, दिस इज व्हाट वी रिमूव। और ये स्टाइल को भी अभी हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से ठीक। तो यहां पर अब हम बात करते हैं फ्लोट को, तो हमने इसको दे दिया फ्लोट डेमो CSS पेज, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे दो डिविजन बॉक्स लेके दो डिविजन क्रिएट करना है। तो मैंने अपना पहला डिविजन क्रिएट किया, डिविजन स्लैश डिविजन, ठीक है। और यहां पर मान लो मैंने कुछ कंटेंट ले लिया, सपोज दिस वन, ठीक है, ये मेरा कंटेंट है, ओके, इसको मैं यहां से फिर से कॉपी कर लेता हूं। सपोज ये मेरा कंटेंट है फर्स्ट डिवीजन पे, ठीक है, और ऐसा ही कंटेंट मैंने सेकंड डिवीजन पे ले लिया, ये मेरा फर्स्ट डिवीजन, और ऐसा ही कंटेंट मैंने सेकंड डिवीजन पे ले लिया। इस पे कुछ और थोड़ा सा कंटेंट मैं इंक्रीज कर देता हूं, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने ये पेरा पहला डिवीजन, ओके, तो पहले इसको अरेंज करते हैं, लेट्स सी। तो इसके लिए हमने यहां पे एक क्लास, या आप आईडी भी ले सकते हैं, मैंने आईडी क्रिएट कर लिया, सपोज आईडी मैंने इसको नाम दे दिया, सपोज बॉर्डर या बॉर्डर वन, सपोज, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बॉर्डर वन। और इसको हमने अरेंज किया, मतलब इसमें हम विड्थ हाइट दे देंगे, बॉर्डर स्टाइल के साथ इसको देखेंगे, ओके। तो यहां पर हमने सबसे पहले बॉर्डर विड्थ बता दी, कि बॉर्डर की विड्थ मुझे रखना है सपोज 5 pixels, ठीक है। देन बॉर्डर कलर हमने बता दिया, बॉर्डर स्टाइल हमने बता दी डबल, ओके, एंड देन बॉर्डर हमने कलर बता दिया, ठीक है, दिस इज बॉर्डर कलर, ठीक। और ये बॉर्डर कलर सपोज मैं फर्स्ट वाले के लिए ले लेता हूँ ब्लू, तो ये मेरा पहला जो स्टाइल है वो हमने डिक्लेयर किया। और यहां पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया ID इक्वल टू बॉर्डर वन के नाम से, ID equal to border one, right? So let's see, इसका इफेक्ट पहले हम देखते हैं, और इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है, इसको यहां पर हम इसको रन करके देखते हैं, so it looks something like this, right? तो ये पूरा एक साथ अगर आपको दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम width भी define कर देते हैं। तो मैंने यहां पर इसकी width ले ली, suppose width मैंने ले ली 200 pixels, suppose, ठीक है, let's see 200 pixels में ये हमें किस तरीके से show होगा, so that हम change कर लेंगे, okay, see this one. ठीक, इसको थोड़ा सा और हम 300 पिक्सल्स कर देते हैं या 400 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये मेरा पहला डिवीजन जो कि मैंने टेक्स्ट के लिए क्रिएट किया है, ओके। लेकिन अब यहां पर मुझे सेम एक और डिवीजन लेना है, तो यदि मान लो मैं सेकंड डिवीजन बॉक्स लेता हूं, तो इस सेकंड डिवीजन के लिए
अब मुझे एक बॉर्डर 2 डिफाइन करना है, तो यहां पर हम बॉर्डर 2 एक और आईडी क्रिएट कर लेते हैं, सेम, ठीक है, सेम आईडी मैंने बॉर्डर 2 ले लिया, ओके, दिस इज बॉर्डर 2। तो ये जो बॉर्डर 2 है इसको भी हमने मान लो 400 पिक्सल्स का लिया है, सपोज मैं इसको 600 पिक्सल्स में ले लेता हूँ, 5-4, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दोनों अलग अलग शो हो जाए। सो इसका कलर मैंने रख दिया ब्राउन, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने सेकंड डिवीजन जो लिया है उस पर हमने बॉर्डर 2 डिफाइन किया, तो लेट्स सी, ये देखिए ये एक्चुअली इस तरीके से शो रहा है, एक के नीचे किस तरीके से आ रहा है, जबकि यहाँ पर मेरे पास पूरी स्पेस ओपन है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा सेकंड डिवीजन है इसको मुझे लेफ्ट साइड लेके आना है या राइट साइड लेके आना है, ओके। तो यहां पर फिर हम यूज करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को, कि हियर वी आर गोइंग टू यूज फ्लोट प्रॉपर्टी, कि फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करके आप अपने डिवीजन बॉक्स को, आप अपनी इमेजेस को पेज पे अपने हिसाब से लेफ्ट या राइट रोटेट कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मल्टीपल टाइम यूज होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन की डिजाइनिंग में। मल्टीपल टाइम हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब भी हम कोई पेज डिजाइन करते हैं। तो एक बार देखिए आप इसको देखते हैं, सबसे पहले मैं पहले प्रॉपर्टी जो हमने डिजाइन की स्टाइल, वहां पर फ्लोट को यूज करता हूं। फ्लोट की हमारे पास बेसिकली दो वैल्यू होती है, लेफ्ट और राइट। तो मान लो मैंने इसको लिया फ्लोट लेफ्ट और इसको भी मैंने ले लिया, सपोज इसको मैंने ले लिया फ्लोट राइट, ठीक है, एक को हमने लिया फ्लोट लेफ्ट और एक को हमने लिया फ्लोट राइट। एंड नाउ एंड आई एम गोइंग टू सी, ये देखिए अब ये राइट में बिल्कुल राइट मोस्ट साइड जा रहा है, ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन दिस टू। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इसको इक्वल डिस्टेंस पर रखना है, तो यहां पर आप इसको भी फ्लोट लेफ्ट ले सकते हैं। यदि मैंने फ्लोट लेफ्ट ले लिया, सो दैट ये देखिए नाउ इट इज नियर बाय दिस टेक्स्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका लाइन बाय लाइन आ रहा था, अब वो इस तरीके से आपको वर्टिकल फॉर्मेट में शो होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, अच्छा, इसमें सपोज करिए अगर मैं एक डिविजन और बढ़ा देता हूं यहां पे, है ना, या सपोज मैंने कोई इमेज ले ली है, ठीक है, यहां पर सपोज मैंने एक इमेज ले ली है, आई एम टेकिंग एन इमेज हियर, img src इक्वल टू सपोज मैंने ले लिया dir.jpg, ओके, और इसको हम विड्थ ले लेते हैं 500 पिक्सल्स, सपोज इसकी हाइट मैंने ले ली 500 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये जो इमेज है, लेट्स सी, ये इमेज अभी आपको कहां दिख रही है, राइट, ठीक है, इमेज अपनी बाय डिफॉल्ट इसी फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन हम इमेज पर भी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई द प्रॉपर्टी सेम इन इमेजेस, तो आप इमेजेस पर भी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने इसको ले लिया इमेज में, सपोज यहां पर भी हमने एक और बॉर्डर, हालांकि अब हमने इसको आईडी डिफाइन किया, तो आई कैन अगेन डिफाइन वन अनदर बॉर्डर, मैंने फिर से एक बॉर्डर ले लिया यहां पे, ठीक है, और ये बॉर्डर आपने 3 के नाम से दे दी, ओके, और इसको मैंने फ्लोट कर दिया राइट, सपोज, ठीक है, इसको मैंने फ्लोट कर दिया राइट। तो जो इमेज है हमारी, इस इमेज पे हमने फिर से यहां पे आईडी में सेट कर दिया बॉर्डर 3। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल, ये देखिए आप, ये राइट मोस्ट साइड में आपकी इमेज आ गई है, राइट। अब इमेज भी अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, यू कैन ऑल्सो डिफाइन दिस वन। यहां पर मैंने बॉर्डर 3 में जो फ्लोट लिया था, उस फ्लोट को हम क्या ले सकते हैं, लेफ्ट। तो यदि मैंने इसको लेफ्ट ले लिया, सो दैट योर इसकी हाइट इमेज की थोड़ा सा हम 300 कर देते, सो जो ये देखिए, सो दिस इज राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से अगर आपको कंटेंट को प्रॉपर अरेंज करना है अपने पेज पे, इफ यू वांट टू अरेंज द कंटेंट प्रॉपर इन अ पेज, कि आपको कौन सा टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए, कौन सा टेक्स्ट राइट में चाहिए, ठीक है, सच टाइप ऑफ एक्टिविटी इफ यू वांट टू परफॉर्म इन अ पेज, देन फ्लोट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर CSS, कि वहां पर हम फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जब भी हमें पेज पे इस तरीके का कोई अरेंजमेंट करना होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो यहां पर अगर सपोज मैंने एक डिवीजन और बढ़ा दिया यहां पे, लेट्स सी, ठीक है, एक डिवीजन हमने और ले लिया, और इसको मैंने ले लिया सपोज बॉर्डर 4, तो आईडी मैंने फिर से एक और डिफाइन कर दिया, ये इसलिए ताकि आपको एक ये समझ में आ जाए कि यदि टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाता है, मान लो इसको आपने बॉर्डर 4 कर दिया, ठीक, एंड इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको मैंने ले लिया सपोज ब्लू वायलेट, ठीक है, तो ये जो आपका अगला टेक्स्ट है इसको मैंने दे दी बॉर्डर 4, लेट्स सी, ये देखिए आप, ठीक है। तो एक मिनट, इस पे बॉर्डर 4 पे शायद, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, दिस इज हाउ यू कैन, मतलब जो आपका, अब इसको इमेज को हमने क्या दिया हुआ है, बॉर्डर लेफ्ट। तो यहां पर अगर मैं इमेज से अगर अभी इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूं, इफ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस आईडी प्रॉपर्टी, ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हमें जब भी कंटेंट को पेज पे
हैं कि इसका इफेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि वो बॉर्डर ठीक। एंड नाउ यू कैन सी ये आपका डिवीजन 3 है। तो अब आप देखिए इन तीन को पहले देखिए सी। अब ये जो इमेज है ये अपने हिसाब से सेट हो रही है, लेकिन ये तीनों प्रॉपर फॉर्मेट में शो हो रहे हैं क्योंकि अपने तीनों की जो फ्लोट प्रॉपर्टी है उसको लेफ्ट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आपका डेटा फ्लोट होगा, मतलब फ्लोट आपको लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है ठीक है। तो यहां पर हम फ्लोट को यूज करते हैं, और अगर अब इमेज को भी आपको फ्लोट करना है तो यहां पर इमेज के लिए आई थिंक हमने आईडी 3 लिया है, तो मैं इसको ले लेता हूं आईडी बॉर्डर 3 ठीक है। एंड लेट्स सी अब आपकी इमेज जो है आईडी 3 में हमने लेफ्ट दिया हुआ है, इसको हमें राइट करना पड़ेगा ठीक है। ये बॉर्डर 3 की फ्लोट प्रॉपर्टी हमने कर दी राइट, सो दैट यू कैन सी दिस इमेज दिस। तो ये आपकी इमेज राइट मोस्ट साइड पे आ रही है। सिमिलरली आप इसको लेफ्ट ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज द टेक्स्ट एज वेल एज इमेजेस यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी। कि अगर आप फ्लोट स्टाइल को यूज करते हैं टेक्स्ट या डेटा को अरेंज करने के लिए सो दैट यू विल गेट सच टाइप ऑफ रिजल्ट्स। यहां पर हमें इस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे ओके। और आप देखिए अगर इमेज को थोड़ी देर के लिए हम हटाएं तो अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेट रहेगी। इसको भी मैं 600 दिया है, इसको 600 ठीक है, और फर्स्ट वाले को भी मैं 600 कर देता हूँ। तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो यू विल सी आपके तीनों टेक्स्ट बिल्कुल प्रॉपर अरेंज्ड। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज फ्लोट प्रॉपर्टी। कि किस तरीके से हम फ्लोट को यूज करके अपने टेक्स्ट को इमेजेस को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगेन आई एम टेलिंग यू। और जितना आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ समझेंगे चीजें उतनी ईजिली समझ में आएंगी। कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है। अभी हम क्या कर रहे हैं एक एक प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूँ है ना। लास्ट टाइम आप देखिए हम लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस की है। टाइप्स ऑफ सीएसएस हम लोगों ने बात की, पेडिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि हाउ टू सेट द पेडिंग ठीक है। शॉर्ट हैंड के बारे में हमने देखा था ठीक है। सिलेक्टर्स हम लोगों ने देखे, मार्जिन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, इमेजेस को किस तरीके से सेट करना ये मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सेट मल्टीपल इमेजेस। ये देखिए अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आप अपनी खुद की कोई गैलरी बना रहे हैं तो यू कैन सेट द इमेजेस एज पर द गैलरी। आप इमेजेस को कंटेंट दे सकते हैं, मतलब हाइपर रेफरेंस के साथ सेट कर सकते हैं। तो एक एक करके अभी हम सारे सीएसएस के ऑप्शन देख रहे हैं, और एट द एंड हम इन्हीं सारे ऑप्शंस को यूज करके एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो आप तब इजीली कर पाएंगे जब आप इनको प्रैक्टिकली करके देखोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बेटा जो आपको सुन के या देख के समझ में आएगा। जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखोगे थिंग्स आर नॉट दैट मच इजी राइट। हमें कोई पेपर क्लियर नहीं करना है, डोंट इस सब्जेक्ट को इस तरीके से मत पढ़िए आप कि आपको कोई पेपर क्लियर करना है। आपको ये थॉट दिमाग में रखना है कि यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, आपको फ्यूचर में डेवलपमेंट करना है, आपको वेब डिजाइन करना है, ये आपका टारगेट होगा, तो जाके आप चीजों को इजीली समझ पाओगे। गॉट इट। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।